अरे ये लैपटॉप तो काम ही नहीं कर रहा अभी दो दिन पहले तो खरीदा है लगता है मुझे कस्टमर केयर वाले को फोन करना पड़ेगा हेलो हेलो मैम बताइए अभी मैंने आपके यहाँ से दो दिन पहले ये लैपटॉप खरीदा था ये काम ही नहीं कर रहा है कैसा बकवास सा लैपटॉप दे दिया आपने मुझे नहीं मैम लैपटॉप तो ठीक है आप मुझे एक काम करिए आप मुझे एन का अपना नंबर दे दीजिए मैं आपको वहीं से सपोर्ट दे देता हूँ नहीं भैया सॉरी मैं आपको एनडेस्क का सपोर्ट नहीं दे सकती क्योंकि मैंने सुना सुनाया उसमें बहुत फ्रॉड हो जाते हैं

एनडीएस की आईडी देने से क्या आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा क्या ये ज़रूरी है आपको दूर बैठे आईडी देना क्यों मांगा जाता है ये सारी चीज़ों के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ जो आपके सारे कन्फ्यूज़न हैं इस ऐप के बारे में वो दूर करने वाला हूँ कि आपका फ़ोन इससे हैक हो सकता है कंप्यूटर हैक हो सकता है और क्या परेशानियाँ आ सकती हैं और अगर कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है तो भैया कैसे इससे बचा जाता है तो सबसे पहली चीज़ हम एनी डेस्क को समझते हैं कि ये है क्या देखो एनी डेस्क एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एप्लीकेशन है जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बनाती है वो होता क्या है देखो दूर बैठे कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है आपको कुछ सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है तब इस एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है और ये इतने ज़रूरी एप्लीकेशन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ में इनबिल्ट ये आता है यानी रिमोट डेस्कटॉप के लिए एनी डेस्क डालने की भी ज़रूरत नहीं है आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन अगर किसी को बनाना है तो विंडोज़ के अंदर भी फीचर होता है जिससे आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बना सकते हैं और कोई दूर बैठे आपको सपोर्ट कर सकता है एम एस वर्ड में कुछ नहीं आ रहा आपको एक्सेल में कोई ऐसी परेशानी आ रही है तो यहीं बैठ के आप अपना इन डेस्क आई दे देंगे मैं आपको समझा दूंगा ऑनलाइन ऐसी क्लास दी जा सकती है जो आपको बिल्कुल लगेगा कि लाइव है लाइव सपोर्ट देने के लिए ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ होता है तो ये बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है ना कि बहुत खतरनाक दोनों में बहुत अंतर है तो अधूरी जानकारी के साथ में हम इसे खतरनाक समझ लेते हैं अब दूर बैठ के इसको सपोर्ट देने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगा एक तो इस तरह के एक सॉफ्टवेयर की जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बना सके दूसरा आपको ज़रूरत होगी इंटरनेट की इंटरनेट के बगैर भी ये एप्लीकेशंस काम नहीं करती हैं क्योंकि देखियो वायरलेस इंटरनेट जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ही कोई बहुत दूर बैठ के आपके कंप्यूटर को देख सकता है अब इसमें होता क्या है और कैसे ये कनेक्शन बनता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया और आपके कंप्यूटर को कोई एक्सेस कर पाएगा बिल्कुल नहीं कर पाएगा मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है आप नहीं कर सकते कब तक नहीं कर सकते और कैसे नहीं कर सकते चलिए बता देता हूँ जैसे आप एनी डेस्क या कोई भी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एड्रेस दिखाई देगा ये एड्रेस सेम उसको भी दिखाई देगा जो उसके कंप्यूटर में है लेकिन उसको अलग दिखाई देगा अब सपोर्ट देने वाले व्यक्ति को क्या करेगा अब जो व्यक्ति आपको सपोर्ट दे रहा है वो आपसे आपका एड्रेस मांगेगा कि सर या मैम मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए आपको लगता है कि ये व्यक्ति सही है जेनुअन है आप बिल्कुल एड्रेस दीजिए और तभी वो आपके कंप्यूटर को या कोई भी हार्डवेयर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएगा तो ये जो एड्रेस होता है ये नौ डिजिट का होता है दिखाई देता है आप इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं कॉपी करके उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से भेज सकते हैं वो व्यक्ति यहाँ पे एंटर रिमोट एड्रेस वाली सेक्शन में जाके आपका वो एड्रेस एंटर करेगा और आपको एक रिक्वेस्ट आएगी ये रिक्वेस्ट भी अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब भी कनेक्शन नहीं बनेगा ठीक है यहाँ तक भी समझ लिया एड्रेस देने के बाद भी अगर आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब भी कनेक्शन नहीं बनेगा रिक्वेस्ट को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है अब एक्सेस करने के बाद क्या होगा एक्सेस करने के बाद आपको उस पर्सन का जो माउस है वो चलता हुआ दिखाई देगा अपने स्क्रीन पे बल्कि उसका माउस नहीं एक माउस का जो कर्सर है वो चलता हुआ दिखाई देगा वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है देखो कीबोर्ड एक्सेस हो जाएगा आपका आपका माउस एक्सेस हो जाएगा और आपका स्क्रीन उसको दिखाई देने लग जाएगा अब ये तीनों चीज़ का एक्सेस इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई हार्डवेयर एरर है और वहां से बैठ के वो कुछ टाइप करना चाह रहा है आ, माउस से कहीं पर कुछ क्लिक करना चाह रहा है तो नहीं कर पाएगा अब क्या आपको दिखाई देंगी ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको दिखाई देता रहेगा कि वो क्या क्या कर रहा है कहाँ पे क्लिक कर रहा है किस स्क्रीन पे क्या टाइप कर रहा है अगर वो सही तरीके से सारे काम कर रहा है तो आप निश्चिंत होकर अपनी स्क्रीन को देखते रहिए कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा कि आपको उससे परेशानी हो अब एक और बात आती है कि आपको क्या उसके जो द्वारा किए जाने वाला काम है वो दिखाई नहीं भी दे सकता है बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगी जब आप अपना कीबोर्ड माउस चलाते हो तो क्या दिखता नहीं है आपको कि आप क्या कर रहे हो तो अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये कुछ गड़बड़ कुछ करने वाला है आप क्या कर सकते हो आप एनी डेस्क को यहाँ से जाके जो कनेक्शन बना है ना एक्सेट कर सकते हो या फिर आप वाईफाई वाले आइकन पे जाके यहाँ से वाईफाई का कनेक्शन बंद कर सकते हो इंटरनेट कनेक्शन बंद कर सकते हो माउस का एक्सेस आपके हाथ में भी होगा कीबोर्ड का एक्सेस आपके हाथ में भी होगा आप क्या कर सकते हो अपने सिस्टम को यहाँ से जाके शट डाउन कर सकते हो मोबाइल के केस में आप क्या कर सकते हो आप मोबाइल को स्विच ऑफ़ कर सकते हो या फिर आप वाईफाई या डेटा ऑफ कर सकते हो उसके बाद में आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दो कोई भी आपके अकाउंट को विदाउट एप्लीकेशन के भी एक्सेस नहीं कर पाएगा सो so, ये कुछ सावधानी आपको बरतनी है लेकिन देखो जब हार्डवेयर कंपनी कोई भी कंपनी आपको सपोर्ट देगी घर बैठे आपको सपोर्ट मिलने वाला आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो इसका जो सपोर्ट है वो बहुत आवश्यक भी है एनी डेस्ट जैसी एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन है कि बहुत दूर बैठ के आपको कोई सपोर्ट दे सकता है ये खतरनाक नहीं है खतरनाक ये तभी हो सकती है जब आप अपना पर्सनल डेटा आपका पासवर्ड हो आईडी हो ऐसी चीज़ें आप शेयर करो देखो अगर वो नेट बैंकिंग भी यूज़ करेगा ना आपके कंप्यूटर का कोशिश करेगा तब भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा ना जब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा या आपके किसी ऐसे ड्राइव में जाएगा जहाँ आपके फ़ोटो पड़े आपको सारी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी आपको ऐसा नहीं है कि वो पीछे से कुछ ऐसा करके कर लेगा कि आपको ये दिखाई ही नहीं देगा कि वो कर क्या रहा है तो इसका यूज करना है समझदारी से करना है संभल के करना है ये खतरनाक नहीं है ये यूजफुल है खतरनाक तो तब होगा कि जब आप अपने बहुत जरूरी पासवर्ड या आईडी शेयर कर दोगे जैसे आप अपने घर से छुट्टियों में कहीं जा रहे हो और आपने किसी थर्ड पर्सन को घर की चाबी दे दी तो खतरनाक है चाबी आपके पास में है तो सेफ है ना बिल्कुल ऐसे ही तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आई होगी एंड के बारे में आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो अभी इस वीडियो में रह गए हों वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम